हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि टैली पे कोटेशन और प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे हम प्रिंट करते हैं। लेकिन इसको प्रिंट करने से पहले हमको ये भी समझना चाहिए कि कोटेशन होता क्या है, व्हाट इज कोटेशन एंड व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो कोटेशन अगर हम लोग समझें तो सिंपल सा, अगर कोई भी सेलर है यानी कि बिजनेसमैन है, उसके सामने बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो उससे जरूर पूछते हैं कि भाई प्राइस कितने का पड़ेगा, ये प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो उसका क्या प्राइस पड़ेगा। तो एक तरीके का एस्टिमेट हम लोग क्या करते हैं, प्राइस तैयार करते हैं, और वो जो एस्टिमेट प्राइस जो हम उसे देते हैं अपने कस्टमर्स को, कस्टमर नहीं कह सकते क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हम बोल सकते हैं, जो हो सकता है कल को हमसे सामान खरीदे। ठीक है, तो एक तरीके का ऑफर होता है कोटेशन, हम लोग कह सकते हैं एक तरीके का ऑफर जो कि एक सेलर देता है, किनको देता है, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को देता है। नाउ व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, अगर कई कई लोग कहते हैं कोटेशन ही प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, नहीं, फर्क होता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम लोग बोलेंगे एज एन एडवांस कॉपी ऑफ, एक तरीके से ये है क्या, एक एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। ज्यादातर प्रोफॉर्मा इनवॉइस यूज किसके लिए करते हैं, नॉर्मली लोनिंग वोनिंग करना होता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कार अगर ले रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने डीलर के पास जाना होगा और उससे मुझे एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस की डिमांड करनी होगी जिसमें कि एक्चुअल कितना खर्चा आएगा वो सारा खर्चा उसमें बना के दे देगा हमें, और फिर उसी कॉस्ट पे हम जाके बैंक से फाइनेंस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते कोटेशन, तो हम समझ में आ गए व्हाट इज कोटेशन, एक तरह का ऑफर है जो हमने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को करते हैं फॉर सेल, ताकि हमारा सेल हो प्रोडक्ट। एंड हाउ टू प्रिंट अ कोटेशन इन टैली, टैली में सबसे बड़ा चैलेंज है किस तरह से हम लोग इसमें कोटेशन प्रिंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो टैली में आपकी एक कंपनी है ही, F11 में चले जाइएगा, यहाँ पे आपका होता है अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर में यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो कुछ नहीं, रिवर्सिंग एंड जर्नल एंड ऑप्शनल जर्नल, इसको यस करा लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक होता है सेल ऑर्डर, इसको भी हम लोग यस कर लेंगे, सेल ऑर्डर भी हमारा एक्टिव होना चाहिए, एक्सेप्ट। अब देखिए हम लोग जब जाएंगे, हम लोग सेल्स में एंट्री कर रहे हैं, F8 F8 होता है सेल के लिए, लेकिन आपको पता है ऑर्डर, हम लोग जाए से पता है सेल तो कर नहीं रहे, सेल होना है कि नहीं होना है ये तो डिपेंड करता है हमारे कस्टमर के ऊपर, उसे हमारा प्रोडक्ट सही लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ होता है सेल ऑर्डर का शॉर्टकट Alt F5। क्या होता है भाई, सामने वाला हमें ऑर्डर देता है, मेरे लिए तो सेल ऑर्डर है, मेरे लिए तो क्या है, सेल ऑर्डर, तो हम लोग इसको सेल ऑर्डर में एंट्री करते हैं। लेकिन सेल ऑर्डर में एंट्री अभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी उसने हमें ऑर्डर दिया नहीं है, तो हम उसे अभी कोटेशन बना के देने जा रहे हैं। तो कोटेशन बना के देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इस वाउचर को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल बना देंगे। ऑप्शनल मतलब कंट्रोल एल, तो कंट्रोल एल प्रेस कर दीजिए या इस पर क्लिक कर दीजिए। अब हम पार्टी, एक पार्टी बना लेते हैं, रमेश सन्ड्री डेटर कस्टमर है हमारा, इसका लेजर हम बना लेते। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर हम लोग लिख सकते 001। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स लेजर है, तो सेल्स का लेजर हमें पकड़ाना पड़ेगा, सेल्स अंडर सेल्स। अब देखिए यहाँ पे है क्या, नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम लोग बेच रहे हैं, सपोज करिए लैपटॉप है, ओके, तो ये हमने बना दिया और यूनिट्स में डाल दिया पीसेस। उसने हमें, हमसे 10 कंप्यूटर की डिमांड किया, 10 लैपटॉप की, तो 10 लैपटॉप हमने उसको प्राइस बताइए 24,500। ओके, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। अगर इसको प्रिंट करेंगे एल्ट पी, तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोटेशन। अब अगर हम इंटर भी करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, कोटेशन प्रिंट हो रहा है। तो ये मैंने एक कोटेशन बना लिया, इसमें जीएसटी वीएसटी का प्रोस्पेक्ट है तो जीएसटी भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कोटेशन प्रिंट करना, बस हमें क्या करना है, सेल्स ऑर्डर को कंट्रोल एल से क्या कर देना है, ऑप्शनल, और फिर प्रिंट निकाल लेना है, इट्स अ कोटेशन। तो मेरे ख्याल से कोटेशन सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोफॉर्मा इनवॉइस की। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम लोगों ने
पढ़ लिया कि एडवांस कॉपी ऑफ इनवाइस होता है सर। तो प्रिंट कैसे करते हैं इसको टैली में, चलिए देखते हैं। एक तरीके का है क्या ये, इनवाइस का ही एडवांस कॉपी है। तो इनवाइस हम लोग कहाँ बनाते हैं, सेल करते हैं, तो इनवाइस हम लोग सेल में बनाते हैं, एफ8 में। ठीक है, बस आप इस सेल को इस बार ऑप्शनल बना दीजिए। तो यही क्या है, क्योंकि सेल हो नहीं रहा है, ये बस एडवांस कॉपी हम देने जा रहे हैं। तो एकदम सेल जैसे एंट्री करते वैसे ही चढ़ाएंगे, बस इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऑप्शनल कर देंगे। तो यही हमारा सेल का इनवाइस क्या बन जाएगा, प्रोफॉर्मा इनवाइस। तो देखिए यहाँ पे अगेन सेम है, रमेश यूनिट सपोज करिए हमारा प्रोडक्ट सही लगा, तो सेल हो गया। अब आइटम यहाँ पकड़ा देते हैं, लैपटॉप अगेन वही 10 पीस 24,500 हो गया। अब देखिए जब मैं प्रिंट करूंगा LP, इंटर करता हूँ, इस बार देखिए ध्यान से देखिए, इनवाइस इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल हट गया, कंट्रोल। अब हम लोग LP कर रहे हैं, अब देखिए क्या आ रहा है, प्रोफॉर्मा इनवाइस। अब ये प्रोफॉर्मा इनवाइस प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। और ये प्रोफॉर्मा इनवाइस है, अगर ये किस में रहेगा, ऑप्शनल में रहेगा, जाहिर सी बात है इसका कोई इफेक्ट ना तो पीओ पे पड़ेगा ना तो बैलेंस शीट पे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है प्रोफॉर्मा इनवाइस और कोटेशन प्रिंट करने का। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करना भले भूल जाइए, लेकिन हाँ शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।